अमीर वर्सेस गरीब का खिलौना। एक गांव में संजय रवि नाम के दो बच्चे थे। संजय बहुत अमीर था। रवि के माता पिता बहुत गरीब थे। गांव के किनारे एक मंदिर में रहते थे। रवि बहुत होशियार था। वो फेंके हुए चीजों से अलग अलग किस्म के खिलौने बनाकर खेलता था। एक दिन रवि लकड़ी के टुकड़ों से एक कार बनाया। वो देखकर रवि के सारे दोस्त बहुत खुश हुए। रवि आगे बैठा था, उसके दोस्त पीछे धक्का मार रहे थे। सब मिलकर खुशी से खेल रहे थे। इतने में वहां संजय अपनी मिनी कार में आया। पीछे के सीट पर एक बड़ा सा टेडी बेयर था। संजय अपनी मिनी कार को रोककर रवि से, इसे कोई कार कहते हैं क्या? फेंके हुए लकड़ी के टुकड़ों से इसे बनाए हो। जोर से मारूंगा तो सारी लकड़ियां टूट जाएंगी। कार का मतलब ये है, एक बार इसकी और देखो, इसका दाम पता है कितना है? नहीं नहीं, कहीं पता चला तो तुम्हारे दिल की धड़कनें रुक जाएंगी। सब बेकार लोग एक जगह मिलकर सब बेकार चीजों के साथ खेल रहे हैं। रवि को बहुत गुस्सा आया। बेकार लोग कौन है, आगे आगे पता चलेगा। वैसे ये सोचो कि तुम्हारे पास इतनी महंगी कार होने के बावजूद तुम्हारे पास खेलने के लिए वो टेडी बेयर के अलावा कोई नहीं है। और मेरे बेकार खिलौनों के साथ खेलने के लिए मेरे दोस्त देखो कितने सारे हैं। संजय गुस्सा होकर वहाँ से चले गया। कुछ दिनों बाद उस गाँव में 3 दिन तक लगातार बारिश होती रही। उससे बाढ़ आकर सारे घर डूब गए। बहुत सारे लोगों की चीजें, वाहन, खिलौने सब बाढ़ के पानी में बह गए। वो 3 दिन लोग अपने घर के छत पर चढ़कर डरते हुए किसी तरह बिताए। गांव में करंट भी चले गया। बारिश कम होने के बाद सारे लोग अपना घर साफ करने लगे। इतने में एक व्यक्ति, सब सुनिए सुनिए सुनिए, बाढ़ के वजह से करंट पोल्स सब टूट जाने के कारण गांव में करंट गया है। टूटे हुए करंट पोल्स को ठीक करके फिर खड़ा करेंगे, तब करंट आएगा। इसके लिए 1 महीना लगेंगे। गांव के लोग ये बात जानकर उसके हिसाब से इंतजाम कर लीजिए। यूं कहते हुए प्रचार करने लगा। वो बातें सुनकर संजय क्या करे समझ नहीं पाया। संजय गुस्सा होकर अपनी माँ के पास जाकर, माँ माँ, 1 महीने तक अगर करंट ना हो तो कैसे चलेगा? इंटरनेट नहीं होगा, टीवी नहीं होगा, फोन भी नहीं होगा। मैं जिन खिलौनों के साथ खेलता था वो सब बाढ़ में बह गए। करंट आए तब तक मैं क्या करूँ? यूं जोर से चिल्लाया उसकी माँ गुस्से से। जब करंट बिल्कुल नहीं था तब भी लोग जीते थे। उनमें से किसी को भी कभी तुम्हारी जितनी परेशानियाँ नहीं आई। इंटरनेट, मोबाइल, ये सब की वजह से लोगों के साथ ही मिलना जुलना बंद कर दिए। तुम्हारे कोई दोस्त के नाम पर एक भी इंसान है क्या? वहाँ रोड पर जाकर देखो, सारे बच्चे बिना कोई चिंता के कितने अच्छे से खेल रहे हैं। कहते हुए रवि और उसके दोस्तों की ओर दिखाई। वहाँ सारे बच्चे नारियल के चिप्पे से बनाए हुए अलग अलग किस्म के खिलौनों से खेल रहे थे। संजय 2 दिन तक रवि और उसके दोस्तों की ओर देख रहा था। एक दिन कटाई शीश तो कभी माचिस की डब्बी के खिलौनों से तो कभी मिट्टी के खिलौनों से ऐसे खेल रहे थे। 1 हफ्ते के बाद संजय रवि और उसके दोस्तों के पास आया। बाढ़ में मेरे सारे खिलौने बह गए। करंट अब 3 हफ्ते और नहीं आएगा। मैं इतने दिन बहुत दुखी था, आप बिना कोई फिक्र के इतनी खुशी से खेल रहे हो। रवि जोर से हंसकर, खुशी हम कितने महंगे खिलौनों के साथ खेल रहे हैं वो देखकर नहीं आती है। हम किसके साथ खेल रहे हैं उसकी वजह से आती है। खिलौनों में क्या है, जो भी चीजें दिखती है 1 रुपया के खर्च के बगैर बना सकते हैं। 1 हफ्ते से तुम ही देख रहे हो ना। मुझे माफ करो रवि, उस दिन तुम्हें लकड़ी के बनाए हुए कार में खेलते हुए देखकर तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया। उस दिन तुमने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। मेरे पास बहुत महंगे खिलौने होने के बावजूद कोई दोस्त नहीं है। तुम्हारे आसपास इतने सारे दोस्त हैं। मुझे भी तुम्हारे खिलौनों के साथ खेलने दोगे? ओह, उसमें क्या है, जरूर खेल सकते हो। हमारे खिलौनों के साथ खेलने में कोई खर्च नहीं है। अगर पुराना या खराब भी हो जाए तो फिर से बना लेंगे।
संजय रवि और उसके दोस्तों के साथ मिलकर खेलने लगा। घर जाकर खुशी से अपनी माँ से जो हुआ वो बताया। संजय में आए इस बदलाव को देखकर वो बहुत खुश हुई। मिनी टू स्टोरी क्ले हाउस। एक जंगल में एक लिलीपुट राज्य था। उस राज्य का महाराजा था सरकार। वो बहुत लालची था, साथ साथ वो घमंडी भी था। उस राज्य के लोगों को घर कैसे बनाना है नहीं पता था, इसीलिए वो पेड़ और पत्थरों के नीचे रहते थे। बारिश होती तो सब भीग जाते थे और बहुत परेशान थे। लेकिन सरकार अपने परिवार के साथ एक गुफा में रहता था। वो अपने राज्य के लोगों से कर वसूल करता था। एक बार एक बहुत जबरदस्त तूफान आया, बेचारे सब लोग बारिश में भीग गए। लेकिन सरकार आराम से अपने गुफा में सो रहा था। अगले दिन सब लोग आए और सरकार से लड़ने लगे। नवीन नाम का युवक, क्यों महाराज, क्या हमारे रहन सहन में कोई फर्क नहीं होगा? क्या हमें यूं ही पेड़ के और पत्थरों के नीचे ही रहना होगा? हम जो कर देते हैं उसका क्या होता है? मैं अपने बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ कि आप हमारे लिए घर बना कर देंगे, लेकिन अब तक नहीं बनाया। हमें ऐसे महाराज की जरूरत नहीं है। जी हाँ, अगर आप कुर्सी छोड़ देंगे तो हम किसी और को चुन लेंगे अपना महाराज, यही हमारे लिए ठीक होगा। तुम लोगों की ये हिम्मत, सिपाहियों इन सबको तुरंत गिरफ्तार करो और इनको सजा दो। यूं कहते ही सिपाही आगे बढ़े। सिपाहियों ठहरो, जरा सोचो कि आप लोग कितने हो और हम लोग कितने हैं। अगर हम चाहें तो तुम सबको एक क्षण में मार सकते हैं, लेकिन हिंसा करने से किसी का कोई फायदा नहीं होगा। तुम लोग एक बात याद रखो, तुम शाही सिपाही भी हम में से ही एक हो। तुम लोग ये ना भूलो कि तुम्हारे पास भी घर नहीं है और तुम्हारे परिवार वाले भी बारिश में भीगते हैं। महाराज ये सत्य कह रहा है महाराज, उन्होंने जो मांगा है वो कोई गलत तो नहीं मांगा। महाराज आपके आज्ञा का पालन नहीं किया, इसके लिए हमें क्षमा करें। महाराज आपने जैसे वादा किया था आप हम लोगों के लिए घर बना कर दें और अपने वादे को निभाएं महाराज, यही सबके लिए ठीक होगा महाराज। ये बात सुनकर महाराज सोच में पड़ गया। बाद में गुफा के अंदर जाकर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये कमीने मुझसे बगावत करेंगे। अब यदि मैंने इनके लिए घर बनाकर नहीं दिया तो मेरा महाराज बनकर रहना मुश्किल है, कोई ना कोई उपाय निकालना होगा। यूं सोचा। जंगल के पास ही विजयपुर नाम का एक गांव था। वहां एक कुम्हार रहता था, उसका नाम था कन्हैया। वो कई किस्म के मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाता था। वो सब ले जाकर वो बाजार में बेचता था। उसकी कमाई बहुत कम थी तो बेचारा बहुत दुखी रहता था। एक दिन सरकार घड़े बना रहा था कि उसने देखा कि एक उल्टा ग्लास उसके पास चला आ रहा है। ये देखकर कन्हैया हैरान हो गया। उसने ग्लास को उठाकर देखा तो उसके अंदर सरकार था। आप हैं कौन और आप इतने छोटे क्यों हैं? आप इस ग्लास में छुपकर क्यों आ रहे हैं? ए घड़े बनाने वाले कन्हैया तुम ही हो ना? पहले ये बताओ, लोगों से खतरा है ना, इसीलिए मैं ग्लास के अंदर छुप के आ रहा हूँ। अरे मैं आपसे आप कह के बात कर रहा हूँ और आप मुझसे तू तड़ाके से बात कर रहे हैं? वैसे आप हैं कौन और मुझसे क्या काम है? मैं एक बौनों के देश का महाराजा हूँ, इसीलिए तुम्हें तो क्या, मैं किसी से भी अरे तुरे कहके बात करता हूँ। मैं ऐसे ही बात करता हूँ, मुझे तुमसे काम है। हमारे देश में तुम्हें मिट्टी के घर बना कर देने होंगे, तुम्हें जितना सोना चाहिए उतना मैं दूंगा। बहुत खुशी हुई महाराज, लेकिन मिट्टी के घर ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, तो ऐसे घर बनाकर फायदा क्या है महाराज? बेचारी आपकी प्रजा उन घर के ढह जाने से दुखी होंगे ना महाराज? अरे मैं चाहता हूँ कि वो घर गिर जाएं, इसीलिए मिट्टी के बनवा रहा हूँ। और मिट्टी के घर हो तो खर्चा भी कम होगा। अगर उन कमीनों को पक्का घर बना कर दिया तो वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। जब तक प्रजा गरीबी में हो तब तक ही महाराज सुरक्षित है। तुम उनके घर मिट्टी के बना कर दो और मेरे लिए दो मंजिला अच्छा घर बना कर दो पक्का। महाराज मैं आपका इरादा समझ गया, ठीक है जैसे आपने कहा वैसे ही मैं घर बना कर दूंगा। इस तरह कन्हैया सरकार के साथ लिलीपुट राज पहुंचा। वहां उसने गरीबों के लिए छोटे छोटे मिट्टी के घर बनाए, लेकिन महाराज के लिए उसने सुंदर सा दो मंजिला मिट्टी का घर बना कर दिया।
सरकार ने खुश होकर कन्हैया को सोना दिया। वो सोना लेकर कन्हैया वहाँ से चला गया। फिर कन्हैया उन पैसों से एक बहुत बड़ा घर और कार खरीद लिया। एक बार फिर एक भयंकर तूफान आया। वहाँ जंगल में लिलीपुट राज्य में भी बहुत जोरों की बारिश हुई। गरीबों का घर इस तेज बारिश में भी सुरक्षित रहा। लेकिन महाराज का घर पानी में पिघल गया। महाराज और उसके परिवार वाले रात भर बारिश में भीगते रहे। कन्हैया अगले दिन वहां पहुंचा। क्यों महाराज, आप हैरान हैं कि आपका घर ढह गया? मैंने जानबूझकर गरीब लोगों के घर सीमेंट का बनवाया था, वो कभी नहीं टूटेंगे। लेकिन मैंने आपके घर जानबूझकर चिकनी मिट्टी का बनाया था। महाराज ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जो प्रजा की सुरक्षा शांति का ख्याल रखे, पर ऐसा व्यक्ति नहीं जो प्रजा को तंग करे, परेशान करे। आप जैसे व्यक्ति महाराज बना रहे, ये उस राज्य के लिए बहुत खतरनाक है। मैं चाहता था कि इस प्रजा को पता चले कि आपने उनके साथ क्या किया है, इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। कहकर महाराज का सारा भांडा फोड़ दिया। तब सबने मिलकर महाराज को खूब मारा। उन सब ने मिलकर नवीन को अपना महाराज चुना। सरकार नवीन का सेवक बनकर रह गया। ये देखकर कन्हैया वहां से खुशी खुशी चला गया।